पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप 11 साल की बच्ची का निकाह करवाएं। गलत काम करते थे ठीक है, मैं रोकती थी नहीं रुकती थी, मारा मैंने उसको। आपने उसको पकड़ा गलत काम करते हुए? मैंने बहुत दफा पकड़ा भी है, ये वकील भी कह सकते सर गैर कानूनी है, मैं पढ़ी लिखी नहीं था। देखा मैंने उन्होंने नहीं किया भाई, गैर कानूनी निकाह नहीं हो सकता, मैंने कहते मैं निकाह ना कर दी। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, आप इस कमरे का हिसाब लगा ले, यहाँ पे एक चारपाई है जिसके ऊपर एक तकिया लगा हुआ है और इस बिस्तर के ऊपर कुछ निशान आता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो मैंने अपनी माँ के साथ किया था वो मेरी बेटी मेरे सामने कर गई है। लड़की को खींचने के चक्कर में तुम दोनों ने लड़की का खाना खराब करके रख दिया, उस 10 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट करवा दिया है। अच्छा एक और सुने ये भी सुने। जा तू साकी समझिया मेरी कच्ची गोलियां खेड़ी ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन कुछ रोज हो गए हैं कि एक स्टोरी वायरल हो चुकी है, काफी ज्यादा वायरल हुई है कि एक 10 साल की बच्ची हावला हो चुकी है, उसके साथ रेप होता है और एक जो रेप करवाने वाली उसकी अपनी सगी माँ, और मैं इस वक्त उसकी सगी माँ के पास मौजूद हूँ, इससे बात करने के लिए आ चुका हूँ यहाँ पे। तो आए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताए कि क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान ने, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीज जायज है कि आप एक 10 साल बच्ची के साथ ऐसी ज्यादा करवाए या उसका निकाह करवाए या उसके साथ कोई ऐसी गलीज हरकत की जाए? क्या ये आपको अच्छा लगता है या आपको पैसा मिलता है या आप क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकत? मैं क्यों करूं? मैं ऐसी जालिम मां नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती हूं ठीक है। और 11 साल की बच्ची जवान होती है, 11 साल बाद मैंने उसका निकाह किया बड़ी ईद पे। ये बड़ी ईद जो गुजरी है ना, इस कहां पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा है? हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप 11 साल की बच्ची का निकाह करवाएं। क्यों करवाया फिर आपने ये? मैंने निकाह इसलिए, क्यों आपने ये जालिमाना हरकत की है? दीदी कब किसी जगह पे जाती थी, कभी किसी जगह पे जाती थी। क्या करती थी वो जगह पे जाकर? गलत काम करती थी ठीक है, मैं रोकती थी नहीं रुकती थी, मारा मैंने उसको। आपने उसको पकड़ा गलत काम करते हुए? मैंने बहुत दफा पकड़ा भी है, बहुत दफा बहुत कुछ किया भी है, दुकान पे भी जाती थी चीज लेने पे, उधर भी लड़का फंसा लिया, वो पीछे घर में आ जाता था मैं काम। आप ये चीज सोच सकते हैं कि एक 10 साल लड़की के पास इतना बड़ा दिमाग हो वो जाके चीज लेने जाए और चीज लेते समय वो लड़कों के साथ सेट हो जाए? आप कैसी बात कर रही है, कैसी माँ है आप? माँ मैं नहीं हूँ, माँ वो माँ मेरी बन गई, माँ मैं नहीं हूँ, माँ मेरी वो बनी हुई है ठीक है। मैं उनकी माँ होती तो वैसे के ना करती ठीक है। माँ ऐसी जाना कोई भी नहीं हो सकती, जितनी मर्जी माँ गंदी होवे ना वो ऐसे के अपनी बच्ची ना नहीं कर सकती है। जितनी देर बच्ची अपने आप को संभाले ठीक है, बच्ची संभाल सकती नहीं संभाल सकी ठीक है, अपना आप खुद गंद करके। हूँ माँ तो अपना चाहती, माँ तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, माँ तो खुद सारी जिंदगी जो कुछ किया पाल साम के कर सकी, इन्हें जो की गीता मैं कर लिया। इसकी क्या वजह? बच्ची खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मेरी माँ मेरे पैसे कमा रही है, मेरी माँ मेरे साथ ज्यादती करवा रही है, मेरी माँ मेरा जिस्म बेच रही, क्या वजह इसकी? क्यों आपकी बच्ची आपके खिलाफ हुई है इतना बताए? बच्ची खुद क्या, बच्ची का बाप बहुत हो गया ठीक है, बच्ची जो क्या जा रहे हैं वट्टा सट्टा करके रिश्ता किया गया सी ठीक है। 10 दिन मेरे को रेंदे सन, 10 दिन उथे रेंदे सन जिते रिश्ता किया सी ठीक है। ये भीड़ पिंड जिते रह रहे ने उथे भी अगवाई दवाई जाएगी ठीक है। बाकी ये मैं जिते अदालती निकाह किया सी, ये वकील भी कह सकते सन गैर कानूनी है, मैं पढ़ी लिखी नहीं सा। देखा मैनू उन्होंने नहीं किया भी गैर कानूनी निकाह नहीं हो सकता, मैनू कहते मैं निकाह ना कर दी, उन्होंने मैनू क्या जायज है मैं निकाह कर। क्या हो गया हमारे माशरे को, क्या मत मारी गई हमारे लोगों की, जहाँ पे ऐसी माएं बच्चों के साथ ज्यादतियां करवाती है, पैसे कमाती है, उसके बाद कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, आप इस कमरे का हिसाब लगा ले, यहाँ पे एक चारपाई है जिसके ऊपर एक तकिया लगा हुआ है और इस बिस्तर के ऊपर कुछ निशान आता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे वाजे तौर पर यह बात कहूंगा कि अगर सच्चाई आपके सामने आती है तो आप इस सच्चाई को सच्चा साबित करें। और ये वालदा उस वक्त, वो जालिम माँ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जिसने अपनी बच्ची के साथ मतलब खुद ज्यादती करवाई है, खुद पैसा कमाया और इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, मैं से बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप अपना क्या मौकिफ करते हैं कि आप सच्ची हैं? मैं कोई ऐसा जुल्म काम नहीं करवाया ना कोई गलत कराया, सिर्फ एक ही किया शादियों की थी या गलत किया, बाकी समान सारा चोरी लाया। शादी की थी उस लड़के की एज की थी? ओंदी एज कोई होएगी 15 साल 20 साल, इन्हें तो 2 साल बड़ा होएगा। जबकि वो लड़के ने उस यानी कि उस लड़की का बयान है कि मेरी एज 12 साल से कम है, और जबकि लड़का जिसको आप लड़का बोल रही है उस लड़के की एज 45 से 50 साल के करीब है, ये क्या बात है? भांजा है मेरा, मेरी 35 साल उम्र है, मेरे भांजे की कैसी उम्र हो सकती है ठीक है, और मेरी बहन का बेटा है,
उतनी उम्र जितनी हुई इसकी उम्र है इतनी मेरे भांजे की उम्र। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे, मरना नहीं है आपने कल को? मरना है मैं। उस खाले के हकीकी को क्या मुंह दिखाएगी आप जाके कि मैंने अपनी बच्ची का कमाई खाई है? मैं कुरान शरीफ पे मैंने मेरी बात सुने बीबी, मेरी बात सुने। मुझे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं 12 साल की थी, मैंने भी यही हरकत की थी। बताइए जरा आप, आपको बताइए क्या मैंने भी यही हरकत की थी? यही बेटी मुझे सजा दे गई है, वो सजा मुझे मिल गई। कि जो आपने किया था वो आपके सामने आ गया? वो मेरे सामने आ गया, जो मैंने अपनी माँ के साथ किया था वो मेरी बेटी मेरे सामने कर गई है। अब मेरे आखिरी सवाल आपसे करना है, सिर्फ आखिरी सवाल। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसे सवाल मुझे करने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कर ले है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दुनिया देख रही है आपको। मुझे ये बताएं वो जो ढाई माह का बच्चा, उसके वो ढाई माह का बच्चा उस 10 साल की बच्ची के पेट में, वो किसका है? वो किसका है ये मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है? आप क्या बताएगी आप उसके बारे में? क्या ये कह रही हूँ, मेरे तरफ से भाग जाती। वो आपके भांजे का नहीं है? मेरे भांजे का नहीं है। वो आपके भांजे का नहीं है? नहीं। जबकि आपने पहली वीडियो में कहा वो उसी का ही है। उसी का था, मैंने रात को फोन किया। वो यानी कि एक्सचेंज हो गया, यानी कि उसको थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया? वो नहीं चेंज, अंदर अंदर। अच्छा, मैंने फोन किया अपने भांजे को, मैंने पूछा है। अच्छा। मैंने उसको कहा कितने महीने हो, कहती मैं एक मिनट भी उसकी चारपाई पे भी नहीं लेटी हूँ। मतलब तुम्हारी बेगम ये बात कह रही है, लेकिन हटाई। मैंने कहा अमल हो गया है। अब वो कह रहा है जी मैं अमल होया सी, लेकिन ए पजदी कुदी सी चूल्हे। क्या क्या पता, क्या पता, क्या पता वो इस जलजाल से बचने के लिए, आपकी बच्ची से जान छुड़वाने के लिए ये बोल रहा हो? नहीं नहीं, ये गलत बात। मेरी बेटी ने खुद कहा मुझे वो अपनी भाभी के साथ गलत है, उसका भाई पकड़ा हुआ, ठीक है? यानी कि वो जो लड़का जिसने यानी कि जिस लड़के से आपने उसकी शादी करवाई है, वो अपनी भाभी के साथ खराब है? खराब है, मेरी बेटी ने। एक और स्टोरी इसमें से निकल आती है, मैं जितनी स्टोरियां खोलूंगा उतनी ज्यादा निकलती जाएगी। बीबी मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, लड़की की दादी कहती है लड़की मैंने ले लिया है, लड़की की माँ कहती है लड़की मैंने ले लिया है, लड़की को खींचने के चक्कर में तुम दोनों ने लड़की का खाना खराब करके रख दिया, उस 10 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट करवा दिया है। नहीं लेती, प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, मान लिया मेरे भांजे का बच्चा, मैं मान लेती हूँ, ये भी मैं अपने गाल में डाल लेती हूँ। मेरा भांजा इसको तलाक नहीं देता, इसने बहुत दफा तलाक मांगी है, मेरे भांजे ने नहीं दी। इस दादी ने सारी जिंदगी मुझे चलाया है, जिस इलाके में रह रही है पूरा इलाका अगुवाई देगा। ये औरत सारी जिंदगी चल के अपने बच्चों पाले सांभे है, इसका बेटा नशा करता था, ठीक है, नहीं बच्चे सांभता था, मैं खुद सांभती थी। अच्छा। आज अभी बेटा बहुत हो गया, मेरी बेटी को जरिया बनाया जा रहा है, मेरी बेटी को इसलिए मुझसे बेटी बेदखल लिखी हुई है, ये बच्ची बेदखल 3 महीने की बेदखल लिखी हुई है जो मेरे पास थी। बेटा उन लोगों ने रखा हुआ था, ठीक है, बेटा की भी कमाई खा रहे हैं, अभी मेरी बेटी की भी कमाई खा रहे हैं। मैं ऐसी जालिम माँ नहीं हो सकती जो मैं अपनी बेटी की कमाई खाऊं। नहीं, जिसने खुद सारी जिंदगी ये अपने जानवरों तरह अपनी जिंदगी गुजारी है ना, वो अपनी बेटी की जिंदगी नहीं गुजारन दिया। आप मुझे ये बताए कि अगर आपने ऐसी वैसी कोई बातें नहीं की, आपने कोई ऐसी वैसी बातें नहीं की, या आपने कोई गलत बयानी नहीं की, या आपने कोई चलने चलाने वाली बातें नहीं की, तो ये मुझे बताए, ये मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, ये आवाम भी सुन रही है, बताए इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? टेंशन ना लो, ठीक है, हुण मैं तुहानूं ऐसी अग लावांगी तुहाडी 7 पुश्तां कंबण गईआं, असीं किहदे नाल पंगा लै बैठे, की कर बैठे, की नहीं कर बैठे, मैनूं धोखा ना मिला। ओ सुण, पीजीओ नील पट्टी चल रही है, ओ सुण, ओ पट्टी चल रही है, मैनूं समझ नहीं आई, तू तां हुण दी पट्टी चल रही है, मैनूं समझ आ जांदी है जिहड़ी आवाम, जो आवाम इस बात को सुन रही है, आपकी मसला बड़ी खूबसूरत गल है जवाब में दी हुई है, इसको आवाम भी सुन रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या है, क्यों सारी? अच्छा एक और सुने, ये भी सुने जा, तू सा की समझिया है, मेरी कचिंग गोलियां खेड़ियां ने, मेरे बार खिलाफ दरखास्तां दे, सब कुछ कर, जियो नीज वाले को जा कर ले। माशाल्लाह बोलते तो चंगा होता, की अपने क्यों इतनी जल्दी हार गए हो, तुझ क्यों इतनी जल्दी हार मान? हार गए इस वजह से मेरी बच्ची मेनू हरा गई, मैं बच्ची ने कभी भी ना हार दी, मेरा बंदा अज जिंदा होता ना, और मैं तलाक भी लई सी, मेरा साथ देता सी, वो जिंदा हो गया ना, भावे मैं धंधा भी किया, जो कुछ मर्जी किया, उन्हें मेरा साथ दिता सी, इस नौबत ते ना पहुंचन देता, यह बच्ची बेदखल उन्हें क्यों लिखी सी? मेरी माँ धंधा करवाती है, अपनी बेटियों को भी करवाती, पूरे खानदान ची ना धंधेदार। नाज़रीन, ठीक है नाज़रीन, कौन गलत है और कौन सही है इसका फैसला अदालत करेगी, जो आला हुकाम है उनके पास ये बातें पहुंच चुकी है, और ये सारी की सारी डिटेल जो है उनके पास पहुंच चुकी है। अब या तो फैसला वो करेंगे, या हमारे पाकिस्तान की अदालत करेगी, या ऊपर बैठी हुई जो अदालत है वो इस चीज का फैसला करेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।